हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 DAB का मैथ का यूनिट 12 यानी परसेंटेज का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। दोस्तों ये फ्रैक्शन में चेंज करके लोएस्ट टर्म लाए हैं क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का ए बता रहा हूँ, क्या दिया हुआ? 3%। दोस्तों इससे पिछले वाला में वर्कशीट 1 में मैंने बताया था कि परसेंटेज अगर लगाना है तो परसेंटेज लगाना ही हमें बताया तो थोड़ा सा, जैसे कि मैं 3/100 है, डिनोमिनेटर में अगर 100 है जब भी तो ये क्या कहलाएगा? 3%, है ना। तो उसी तरह से मतलब परसेंटेज लगाना है तो उसी तरह से उल्टा एडजस्ट होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 3/100 होगा, है ना। क्योंकि 3 और 100 का SCF 1 होता है, इसलिए किसी से नहीं कटेगा, इसलिए यही आंसर होगा, इसका लोएस्ट टर्म यही होगा। लेकिन SCF 1 के अलावा कुछ भी अगर होता ना तो इसका फिर कटता, दोनों से कटाते तो इसका नहीं कटेगा, तो यही होगा। अगला चलते हैं बी नंबर में, 35%। तो 35/100, दोस्तों हम लोग जानते हैं यहाँ 5 है 0 है, 5 से तो कटेगा, 5 7 जा 5 2 जा 10 यानी 20 हुआ, तो 7/20 ये बी नंबर हुआ, ये लोएस्ट टर्म हुआ। आप सोचो कैसे पता चला 5 से? वैसे तो यहाँ दिखने से लग रहा है 5 से कटेगा क्योंकि 5 है, लास्ट में यहाँ 0 है ना। लेकिन अगर नहीं पता चला तो आपको दोनों का SCF निकालेंगे तो भी पता चलेगा। बी बना दिए, सी बता रहा हूँ, 138%, 138/100, है ना। तो हम लोग इसका लोएस्ट टर्म निकालना है, तो लोएस्ट टर्म ये तो दिखने में लग रहा है कि 2 से कटेगा, सबसे पहले 2 से ही चेक करते हैं, तो 2 से कटाएंगे, ये भी 2 से कटेगा, 2 2 5 जा 10 तो ये 50 हो गया, यहाँ 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, अब यहाँ 69/50 हो रहा, तो लोएस्ट टर्म आपका हम लोग को नहीं कटेगा, तो 69/50 आंसर होगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ और बता देता हूँ मैं, 69/50 जब भी डिनोमिनेटर में अगर छोटा हो जाता है न्यूमरेटर से, ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं, ये भी आंसर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है ना तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसका वो हो जाएगा 1 पूर्णांक। ये हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, आखिर 50 से डिवाइड करेंगे 69 को, एक बार में चलेगा, यहाँ घटाएंगे तो 9 में 0 से करेंगे 9 और यहाँ 1, तो 1 पूर्णांक, ये वाला यहाँ आगे लिखते हैं, ये 19 ऊपर लिखेंगे और 50 से डिवाइड कर रहे थे ये नीचे लिखते हैं, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आगे चलते हैं डी नंबर, 675%, 675%, हम अभी जस्ट बताया परसेंट हटाएंगे, डिवाइड में 100 लग ही जाएगा, है ना। लास्ट में इसमें 5 है, लास्ट में इसमें 0 है, 5 से कटेगा ही कटेगा, 5 2 जा 10, यहाँ 5 1 जा 5 क्योंकि यहाँ 6 था, तो केरी यहाँ आ जाएगा, 5 3 जा 15, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 5 जा 25, अब फिर यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, फिर कटेगा, 5 4 जा 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 3 जा 2 5 2 जा 10, और यहाँ बचेगा 3 5 7 जा 35, तो हम लोग का 27/4 आया, ये लोएस्ट टर्म है ना। अब यहाँ भी वैसा ही कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन इसको भी चेंज कर सकते हैं, अभी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कितना बार में कटेगा, 4 6 ज़्यादा 6 पूर्णांक 3/4, है ना। देख लीजिए इसको ये चेंज करने का, 6 4 जा 24 + 3 27, ये है और नीचे में 4 था तो 4, मतलब दोनों सेम है, ये भी लिख सकते हैं, ये है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये यूनिट में मिक्स फ्रैक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं डी के बाद ई नंबर, 80%, 80/100, 10 ख़त्म, और ये अब ये 2 से कटेगा, 2 4 जा 2 5 जा, तो हो जाएगा 4/5 क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये यहीं रह जाएगा आंसर, इसका नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट चलते हैं एफ, 150%, तो 150/100, यहाँ तक 0 0 कट सकते हैं या 50 2 जा भी, 5 2 जा 5 3 जा, तो 3/2 क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका भी 1 पूर्णांक 1/2 होगा ऐसे। तो मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ आपको, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 कट गया ना, ये वाला को आगे में लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर में लिखते हैं, जिसे डिवाइड कर रहे थे वो नीचे में, ये वाला जैसे यहाँ नीचे है ना 2, ये नीचे ही रहेगा। नेक्स्ट है 2 नंबर,
इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। दोस्तों डेस इससे कहीं ज़्यादा ये इजी है, अभी जो बनाएंगे इसको डेसिमल में चेंज करना है 0.2%। मैं इसका दो तरह से बना सकता हूँ या दोनों पहले बता देता हूँ, इसको फिर से लिख लेते हैं 0.2%, है ना। सबसे पहले इसका अगर हम लोग पॉइंट हटा देंगे तो 2/10 ये परसेंट है ना, पॉइंट हटा के बता रहा था कि आपको ये 2 लिखे हैं दोस्तों, 2/10 परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा, और हम बताइए अभी परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड में होता 100, तो 2/1230 हो रहा है ना। या हम लोग एक साथ करेंगे तो ऐसा होगा, मतलब 2 लिखेंगे, तीन अंक बाद पॉइंट बनाना था, एक तो है 2 3, है ना। हम लोग इसका ऐसा भी लिख सकते हैं 0.002, ऐसा भी लिख सकते हैं 0.002, दोनों एक ही चीज़ है, ये चीज़ पॉइंट के बाद है ना, जीरो को अलग अलग भी पढ़ना पड़ता है, ये चीज़ सेम है। ये तो पहला मेथड था, इसका दूसरा भी देख लीजिए, 0.2 परसेंट हटाएंगे, डिवाइड लगाएंगे 100। ध्यान रखना जब भी डिवाइड करते हैं ना तो पॉइंट इधर खिसकता है ना, पॉइंट इधर खिसकेगा, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट हैंड साइड खिसकता है। तो हम लोग 2 तो लिख दिए, एक दो अंक और इधर खिसकाना है, तो यहाँ तो पॉइंट था ही नहीं, तो जीरो भर दिया पॉइंट यहाँ, है ना, तो 0.002, है ना। मैं इसलिए दोनों ये बताया क्योंकि अगर पॉइंट हटा के आप बनाइएगा ना, फंसिएगा नहीं, दोनों आपको अच्छा लगे तो दोनों आप एडप्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं बी नंबर में, 5.6% परसेंट मतलब डेसिमल में चेंज करना है, तो इसको भी हम लोग दोनों बना के दिखाता हूँ। 56/10 परसेंट कर दिए, 56/10 है, और परसेंट हटाएंगे डिवाइड में और होगा, है ना। तो यहाँ 56 लिख दिया, 1 2, सॉरी दो ही जीरो होगा ना, यहाँ एक जीरो यहाँ है, 1 2 3, तो 1 2 दो है, इसको तीन अंक बना लिए, है ना, यहाँ पॉइंट बढ़ा दिया, हो गया। ये हम पॉइंट हटा के बता रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े, इसलिए पॉइंट हटा रहे हैं, नहीं तो बिना पॉइंट हटा के बना सकते हैं सबको। सी नंबर में चलते हैं, 2.75%, तो यहाँ भी पॉइंट हटा लेंगे, 2 5, है ना, 275, 275, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो ये पॉइंट हटा लिए, परसेंट को अब हटाएंगे तो डिवाइड में और होगा 100, है ना। तो हम लोग का 275 पॉइंट कितना बढ़ाएंगे अब, 1 2 3 4, यहाँ तीन ही है, एक जीरो और दे दिए, है ना, तो हो गया ऐसा आंसर। अगर आपको प्रॉब्लम चल रहा है वीडियो को पीछे कर फिर से देखिए, आप ज़्यादा समझ में आएगा अगर दिक्कत चल रहा तो। अगला चलते हैं सी नंबर में, 3.8%, तो 38/10 कर देते हैं, परसेंट है, परसेंट को हटाएंगे तो 38/10 परसेंट हटाएंगे तो और होगा डिवाइड ऑफ 10। इसका ये डिवाइड आप सोचे तो मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, इसका ये मल्टीप्लाई, इसका पूछ रहे हैं, इसका तो ये डिवाइड ही है ना, तो 38 1 2 3 3 0 बनाना था, 3 अंक पॉइंट बढ़ा दिए, समझ में आया। अच्छा, पॉइंट के बाद इस नंबर को अलग अलग पढ़ना पड़ता है, इसके 0.031 पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 0.38 पढ़ लेंगे, गलत हो जाएगा। डी नंबर में 6.75% है, इसमें तो कोई पॉइंट था ही नहीं, 6.75 पॉइंट हटाएंगे डिवाइड में, ये परसेंट हटाएंगे डिवाइड में 100, 6.75 00 है, 1 2 यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। ई एफ के बाद ई नंबर है 1.9%, पॉइंट हटाएंगे 19/10 परसेंट, 19/10 और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में और 100 होगा, तो तीन अंक के बाद फिर बनाना है, तो 19 है, तीन अंक बना लिए, है ना, 0.019, क्योंकि 1 2 3 3 अंक बाद, अगर यहाँ 4 अंक रहता ना, यहाँ जोड़ो और बैठाते, ऐसा है। अगला चलते हैं एफ नंबर, 9.5%, तो 9 5/10 परसेंट, 95/10 और डिवाइड में देंगे आप लोग और 100, 9 5, 1 2 3 1 2 3 ये होगा। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि इसमें डिवाइड क्यों नहीं करते हैं आखिर, दोस्तों कटाने मत जाइएगा, कटा के लाइएगा ना तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर यही आएगा, वो आपको ज़्यादा झेलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं हम कटा लेंगे यहाँ ऐसे ऐसे करके, जैसे यहाँ 19 और यहाँ 2 है ना, फिर इस 19 से 200 को डिवाइड करेंगे, आंसर यही आएगा, लेकिन आपको बहुत डिवाइड करना पड़ेगा ये वो। जब भी आपको डिनोमिनेटर में 0 0 रहे और यहाँ 1 टाइप से रहे ना, तब कटाने मत जाइएगा, एकदम पॉइंट गिन के बैठाइएगा। नेक्स्ट आया 3 नंबर, कंप्लीट द गिवन टेबल गिवन बिलो, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू,
यदि यह परसेंटेज, ये परसेंटेज का साइन है, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, ये 100 पे डिनोमिनेटर करना है, फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट मतलब वही कटा के जो हम लोग SCF जो आता है उसको कटा के करते हैं, डेसिमल फॉर्म या डेसिमल फॉर्म लिखना, ध्यान रखना जब भी डेसिमल फॉर्म लिखाना है ना तो फ्रैक्शन विद इससे इसमें जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अभी और बताएंगे, मैं सब ठो बता रहा हूँ। ए नंबर में 5%, अभी जस्ट बताए परसेंट को हटाएंगे तो 5/100 होगा, इसको कटाएंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 होगा। अब हम लोग जो यहाँ यहाँ जो डेसिमल लिखना है, यहाँ पे ई वाला में डेसिमल लिखने के लिए ये वाला नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ यहाँ हम बताए 1 होना चाहिए, 1 नहीं है, 2 है, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ई नहीं ये वाला देखेंगे। तो पॉइंट के बाद कितना देखेंगे, पहले 1 2, 2 0 है ना नीचे में, तो 2 अंक पहले बना लेते हैं, 2 अंक बन गया तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट बढ़ा देंगे, है ना। तो इसको 0.05 भी बोल सकते हैं या 0.05, एक सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगला चलिए बी नंबर चलते हैं, वैसे ये तो बना हुआ था फिर भी मैं समझा दिया। तो 20/100 है ना, क्योंकि फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, यहाँ कटा के सिंपलेस्ट फॉर्म 1 0 1 0 कट जाएगा, 2 और ये यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले और यहाँ कटा के दिखा देता हूँ, 1 0 1 0 कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, तो 1/5 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ जो लिखना है 20 लिख दिए, 1 2 1 2 यहाँ पे पॉइंट बटेगा, है ना। 0.20 भी लिख सकते हैं या 0.2 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है जीरो का महत्व इधर नहीं होता है, है ना, यहाँ कोई नंबर नहीं है और 1 0 के अलावा तो कोई महत्व नहीं होता है ना, तो दोनों सही है। कभी कभी ऑप्शन में ये भी देगा आपको, इसलिए आप गड़बड़ा नहीं जाना। सी नंबर 46%, तो 46 डिवाइड में जाएगा 100, ये अभी हम 46 लिख लेते हैं और डिवाइड में 100 कटा देते हैं, 2 से कटेगा, 2 2 जा 2 3 जा और यहाँ हो जाएगा 50, है ना, ऐसा होगा। ये कटा हुआ हम कटा के लिखते हैं, आपको ये अगर नहीं करना था डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, वैसे सीखना आपको 46 है ना। हमें अभी बताया कि जीरो वाला पे जाना, 1 होना चाहिए और जीरो वाला, हमें तो पॉइंट गिन के बढ़ाएंगे, 1 2 हो गया। अगला देखते हैं डी नंबर 98%, 98/100, अब यहाँ हम लोग कटाना है 98/100, 2 से कटेगा ही, 2 4 जा 4 2 जा 8 और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 4 2 जा, तो हो जाएगा 49/20, सॉरी ये 50 था, 49/50 हो जाएगा। और यहाँ जो होगा 98 लिख के 00 था, 1 2 ना पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, समझ में आ रहा। आगे चलते हैं, कितना है ई नंबर लास्ट है 17%, तो 17/100, क्योंकि ये नहीं कटेगा ना इसलिए सेम सिंपलेस्ट फॉर्म भी सेम रह जाएगा। और यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 0 पॉइंट इधर से पॉइंट कटते हैं, 1 2 हो गया ये। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर में है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है और लोवेस्ट फॉर्म भी लाना, 3/4%, तो चलते हैं 3/4। हम बताए परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड में 100 करते हैं, मतलब इसका डिवाइड हुआ नीचे वाला का मल्टीप्लाई हुआ तो कटेगा तो नहीं, तो 3/400 है ना, ये होगा। अच्छा यहाँ क्या करना है, फ्रैक्शन करना है, लोवेस्ट टर्म लाना है, ये कटेगा नहीं तो यही होगा इसका लोवेस्ट टर्म भी। बी नंबर में, बी नंबर यहाँ है 16.2/3%, पहले तो उसको फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं, 16 48 50 50/3 ये परसेंट है। अब 50/3% हटाएंगे डिवाइड में 100, ये कट जाएगा, 52 जा 51 जा, तो ऊपर में होगा 1, नीचे में 3 2 जा 6, तो 1/6 आंसर होगा लोएस्ट टर्म, समझ में आया। आगे चलते हैं सी नंबर में 33.1/3%, एक्चुअल में इस केस को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, यहाँ भी वही चीज़ किए थे, 33 99 100/3 ये परसेंट है, 100/3% हटाएंगे डिवाइड में होगा 100, ये कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 3 तो 1/3 आंसर होगा। डी नंबर में 7/1/7%, 7 7 49 150/7%,
बाय 7% हटाएंगे, डिवाइड में होगा 152 जा, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, नीचे में 7 2 जा 14। एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 लिखना पड़ेगा, लेकिन नीचे में 1 नहीं लिखते, एक चीज़ ध्यान रखना। ये कितना बताया भी, डी बताए। अब आते हैं ई नंबर। ई नंबर में है 11 पूर्णांक 1/4%, तो हो जाएगा 11 4 जा 44 1 45 बाय 4, ये परसेंट है, 45 बाय 4 × 100, 5 से कटेगा 5 9 जा 5 2 जा, अब नहीं कटेगा तो ऊपर में 9, नीचे में 4 2 जा 8, 9/80 हुआ। नेक्स्ट चलते हैं ई के बाद एफ, कितना है 12 पूर्णांक 1/2%, 12 2 जा 24 1 25 बाय 2%, 25 बाय 2% हटाएंगे, डिवाइड में होगा 100, सारा सेम मेथड हो रहा है, 25 4 जा कुछ नहीं ऊपर में तो 1, 4 2 जा 8 नीचे में होगा 1/8। तो दोस्तों आज इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।